सो हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल वेलकम टू द क्लास एंड दिस इज़ आर डेली न्यूज़ अनालिस प्लीज़ लेट मी नो दाइम ऑडिबल एवरीथिंग इज़ फाइन सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल वेलकम टू द क्लास हेयर आज जो करंट अफेयर में टॉपिक्स हम देखेंगे आई विल भी हैविंग दिस टॉपिक्सर सुप्रीम कोर्ट ने हेट uh, स्पीच के बारे में कमेंट किया है उसको ले देखेंगे हेट स्पीच पे क्या क्या इंडिया के अंदर प्रोविजन्स हैं है ना क्या क्या कानून है आई के कुछ सेक्शन्स हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि आपको यहाँ पे वेट नहीं करना है है ना कि कोई आपके पास कंप्लेन लेके आए जब उस पर एक्शन होगा अगर हेट स्पीच का कहीं पे भी कोई भी ऐसा इंसिडेंट है यू शुड बी प्रोएक्टिव कि आप उसमें मोटू अपने आप ही स्वतः संज्ञान लेके उस पर एक्शन करें तो ये इसको देखेंगे काफी चर्चा में यह रहा था तो इसमें क्या हमारे राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है आईपीसी पी सी की कुछ धाराएं टू नाइन फाइव उसका जिक्र किया गया है जो है पाक जो फाइनली चार साल बाद में साल बाद में एफ जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि ग्लोबल लेवल पे आ, टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाई गई है तो उसकी ग्रे लिस्ट थी उसके अंदर ये लगभग चार साल के आसपास हो गया इसको

जो रुपए है इसका इंटरनेशनलाइजेशन हमें करना होगा हालांकि इससे रिलेटेड रिस्क है उनको भी देखना होगा और इसी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ जो है हम चर्चा करेंगे कि क्या कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या है ये भी समझने का प्रयास करेंगे जिसपे ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन भी आए हैं रीजनल रूरल बैंक को थोड़ा सा इसका स्कोप वाइड करने की बात की जा रही है गवर्नमेंट कह रही है रीजनल रूरल बैंक जो है ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन देते हैं हम चाहते हैं एजुकेशन के लिए एमएसएमई सेक्टर के लिए भी लोन प्रोवाइड करें और उसी के लिए गवर्नमेंट ईज रिफॉर्म प्रोसेस के अंतर्गत आर को यहाँ पे रिफॉर्म करेगी यहाँ पे सपोर्ट करेगी उनकी कैपेसिटी बिल्ड करेगी आर मतलब ग्रामीण बैंक की बात हो रही वायरल स्पिल ओवर है ये एक टर्म है इसका मतलब समझते हैं और ये थोड़ा प्रॉलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोलिम्स तो ये सारे टॉपिक्स को चर्चा करेंगे आगे हम बढ़ते हैं दिस इज अब्रफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी माय नेम इज राहुल भरद्वाज ये जो नीचे लिंक दिया है इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टू गेट एक्सेस ऑफ द फ्री स्पेशल क्लासेस अभी आपकी सुबह आठ बजे अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म से फ्री स्पेशल क्लास होती है और इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि पहली बार अन अकेडमी की तरफ से आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम पहली बार जनरली आपको बीस परसेंट ही ऑफ़र किए जाते हैं पहली बार दीपावली तक आपका ये रहेगा ऑफर और इसमें आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफर दिया जा रहा है इसमें आपको स्पेशल कोड ये यूज करना है ये कोड है यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है जनरली आप क्या करते हैं आरबी लाइव कोड यूज़ करते हैं अब की बार आपको <coughs> ये कोड लगाना है ये जो मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव परसेंट है डिस्काउंट ये तो मिल ही रहा है यू विल बी एबल टू गेट पर्सनलाइज गाइडेंस एज वेल सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दिस कोड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज है ना दीपावली तक आपका ये वैलिड है इसके अलावा कॉम्बैट हर संडे होता है फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है वहाँ से आप जा सकते हैं ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है ये जो करंट अफेयर होता है हमारा इसकी पी कितने बजे है आठ बजे स्टार्ट होता है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी सेशन के लिंक है टाइमिंग है अदर काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड थिंग्स यू कैन डेफिनेटली गो ये डाल लेना ना नाम और इसको सर्च कर लेना पेपर टू पे आते हैं जीएस पेपर टू जो है उसके अंदर आपका टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ जो इश्यूज हैं उससे आपका लिंक होगा हेट स्पीच है ना तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको एक्शन लेना होगा हेट स्पीचेस के अगेंस्ट के अंदर जहाँ पे कोई भी ऐसी स्पीच दी जा रही है जिसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया है या कुछ ऐसा गलत कहा जा रहा है जिससे जो दो सेक्शन हैं है ना सोसाइटी के जो हैं उसके बीच में क्या हो रहा है एनिमिटी क्रिएट हो रही है है ना हेट क्रिएट हो रहा है तो माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है तो उस उस तरह की जो स्पीचेज़ हैं उसके अंदर आपको कंप्लेन के लिए वेट नहीं करना है आप अपने आप यहाँ पे एक्शन लीजिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगर आपने एक्शन नहीं लिए तो आपके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट का ये जो है प्रोसीडिंग किया जाएगा ऑफ कोर्ट का क्या मतलब होता है कोर्ट की जो कोई ऑर्डर है कोई आज्ञा है है ना उसका अगर आप पालन नहीं कर रहे हो उसको अगर आप फ्लाउंट कर रहे हो आ, उसको अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो कोर्ट यहाँ पे एक्शन लेता है ये क्रिमिनल भी होता है और सिविल भी होता है कंटेम्प्ट तो ठीक है ये है कोर्ट ने एक और मेंशन किया है कि देर देर आर इनफ प्रोविजंस इन द इंडियन पिनल कोड आईपीसी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो कि हेट स्पीच से डील करने के लिए जैसे आईपीएस आईपीसी सेक्शन 153 का इन्होंने जिक्र किया है टू नाइन फाइव इन सेक्शन का जिक्र किया है तो ये सेक्शन क्या है इनका थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि ये एक ऐसा तो नहीं होगा बहुत कम रेयर ही चांस है कि आपको सेक्शन करके पूछ लेगा है ना लेकिन ये आपको यूज़ आएंगे तो आंसर राइटिंग में स्पेशली पेपर फोर में केस तो स्टडी है इस तरह से इंसिडेंट बताया जा रहा है हेट स्पीच वगैरह तो वहां पे सभी बच्चे आंसर लिख रहे होंगे अगर आपने इन सेक्शन को मैंशन किया है डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग मोर मार्क्स एक तो ये हो गया पेपर टू में अगर हेट स्पीच पे कोई डेडिकेटेड क्वेश्चन आता है चांसेस हैं कि आ जाए बिल्कुल है तो वहां पे भी इसको आप यूज कर सकते हो तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कोई हेजिटेशन नहीं रखनी है है ना बिना किसी हेजिटेशन के यहाँ पे प्रशासन जितना जल्दी काम करे उतना बेहतर है अब इसके दोनों डायमेंशन है देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हेट स्पीच के अगेंस्ट में आप एक्शन लीजिए कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे जो स्टेट है गवर्नमेंट है हेट स्पीच कोई भी जो केसेस में हेट स्पीच के सेक्शंस के अंडर में एक्शन लिए जाते हैं तो उस केस में ये कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है है ना इसको वो हमारा ये राइट right इन्फ्रिंज हो रहा है फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जैसे मान लीजिए कोई बुक है कुछ है जिसके पब्लिकेशन को रोका गया है कि नहीं इससे जो जो भी चीज़ें हैं उससे धार्मिक भावनाएं आहत तो होगी समथिंग लाइक like. तो इसमें दोनों नज़रिए हैं जिनको हम यहाँ पे देखेंगे वैसे हेट स्पीच के लिए कोई स्पेसिफिकली लॉ तो नहीं है कि हाँ ये हेट स्पीच लॉ है लेकिन इंडिया के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन हैं इंडियन पिनल कोड में जो क्या कर रहे हैं बेसिकली रिलीजन के अगेंस्ट में जो ऑफेंसेस हैं उनको डील करते हुए कर रहे हैं तो वो हेट स्पीच को ही एक तरह से कहीं ना कहीं डील करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्शन नंबर टू नाइन फाइव ए है इसको याद रखना है आईपीसी सेक्शन टू नाइन फाइव ए ये क्या कह रहा है ये बता रहा है कि फ्री स्पीच के काउंटोर्स क्या है मतलब किस चीज को फ्री स्पीच के अंतर्गत अलाउ किया जाएगा और ये हम पहले से ही देखते आ रहे हैं आपका जो आर्टिकल नाइन है नाइनटीन है इसमें क्या है फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच है फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच ये है लेकिन कोई भी राइट right एब्सोल्यूट नहीं होता नन ऑफ आर फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट इसका मतलब ये नहीं है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मतलब ये नहीं है आप कुछ भी बोलेंगे कैसे भी बोलेंगे क्योंकि अगर इस तरह से एब्सोल्यूट राइट right दिया जाएगा वट अबाउट द राइट ऑफ द अदर्स हैंस दीज राइट आर विध लिमिटेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन इट सेल्फ मैं रिगार्डिंग दिस लेकिन अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो ये लिमिटेशन भी मैंशन करता है विथ रेस्पेक्ट टू ऑफेंसिस रिलेटिंग टू रिलीजन क्या यहाँ पे कह रहा है देखिए जो भी अगर जानबूझ के है you ना know, या फिर गलत इरादे के साथ डेलीबरेटली और विथ मलिशियस इंटेंट अगर कोई भी इस तरह से रिलीजियस uh, फीलिंग को आउटरेज कर रहा है ना you know, उनको uh, धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है चाहे वो वर्ड्स के थ्रू हो कुछ बोला हो कुछ लिखा हो किसी भी साइन के थ्रू विजिबल रिप्रेजेंटेशन अदरवाइज इंसल्ट कर रहा है रिलीजन की किसी के बिलीफ की है ना तो वो क्या होगा पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट भी रहेगा और जो भी उसमें चीज़ें हैं वो रहेगी अप टू थ्री इयर्स एक्सटेंड किया जा सकता है फाइन होगा नहीं होगा वो जो केस है तो कुल मिला के यहाँ से क्या समझ आ रहा है यहाँ से समझ आ रहा है कि अगर आप किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं है ना आउटरेज कर रहे हैं चाहे वो बोल के कर रहे हैं लिख के कर रहे हैं इन एनी अदर मैनर अगर किसी को किया जा रहा है यहाँ पे एक्शन होंगे क्लियर है तो ये आपको ध्यान रखना है कई बार हम देखते हैं कि काफ़ी सारी बुक्स आती हैं वो कंट्रोवर्सी में हो जाती हैं कुछ कोई वीडियो सर्कुलेशन सोशल मीडिया पे चल रहा है कोई मूवी है इस तरह की चीज़ें तो वहाँ पे ये होता है नहीं इसमें ऐसा क्या गलत दिखा दिया ये है वो है तो ये कुछ इश्यूज़ भी रहते हैं बट स्टिल वी हैव दिस प्रोविजन हीयर सेक्शन टू ए रिलीजियस uh, ऑफेंस को पिनलाइज करता है और अगर इसमें और सेक्शंस हम देखें जैसे पिनलाइज डैमेज टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप विथ एन इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन प्रेस पेसिंग इन प्लेस ऑफ कल्चर अटरिंग द वर्ड्स विद डेलीब्रेट इंटेंट टू वन द रिलीजियस फीलिंग्स ये सेक्शन टू नाइन एट हो गया डिस्टर्बिंग ए रिलीजियस असेंबली ठीक है ये इतना डिटेल में तो नहीं जाना बट सेक्शन टू नाइन फाइव और इसकी मेन जो uh, uh, इसके प्रोविजन है रिलेटेड टू दिस थिंग वो ध्यान रखिए कई बार इन्वॉव किया गया है जैसा मैंने बताया था कई बार इसको क्रिटिसाइज भी किया गया क्यों क्योंकि मान लीजिए पॉलिटिकल सटायर होते हैं है ना जो कार्टून वगैरह बने आते हैं या और किस तरीके से कुछ होता है तो उन उन केसेज में कोई बुक लिख दी है उन केसेज में भी इसको यूज किया जाता रहा है कई बार सरकार क्या करती है खुद की के क्रिटिक के कम्पेरिजन में है तो वहाँ पे भी इसको इस तरह से इन्होंने यूज किया है नाउ वी हैव द सेक्शन वन ए है ना जिसका जिक्र किया है अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है तो वन ए है टू नाइन फाइव ए है और फाइव जीरो तीन प्रोविजन याद रख लीजिए काम बड़ा आसान हो जाएगा तो ये क्या कर रहा है इन बेसिस पे अगर आप क्या कर रहे हो लोगों के बीच के अंदर एनमिटी क्रिएट कर रहे हो है ना उनके बीच में इस तरह से द्वेष क्रिएट कर रहे हो तो so डेफिनेटली 153 को यूज कर सकते हो सेक्शन 505 क्या कर रहा है पनिशमेंट दे रहा है स्टेटमेंट्स कंडक्टिंग इन द पब्लिक मिस्ट्री ये सब चीज़ें जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं और अगर ऑनलाइन कंटेंट कुछ होता है तो उसके लिए पहले था अभी नहीं है पहले आईटी सेक्शन जो आईटी एक्ट है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसका एक सेक्शन था सेक्शन सिक्सटी सिक्स ए वो क्या करता था ऑनलाइन जो कंटेंट इस तरह से कर रहा है कोई भी हेट स्पीच के अंडर में आ रहा है ऑनलाइन कॉन्टेंट तो उसके अगेंस्ट में एक्शन होता था सेक्शन सिक्सटी ए के अंतर्गत लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंगल वाला केस था आई होप नाम भी लिखा होगा नाम याद रखिएगा आप वर्डिक्ट। लैंडमार्क वर्डिक्ट है 2015, आ, तो यहाँ पे आप देखोगे 66 ए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था कहा था कि ये जो है वैलिड नहीं है हमारे जो राइट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुंस ये करता है क्यों करता है क्योंकि बहुत वेग ये था। ना बहुत वेग था किस किसको मिसयूज माना जाएगा नहीं माना जाएगा तो हर किसी पे आप इस तरीके से लगा रहे तो फाइनली कोर्ट ने कहा कि ये ये नल एंड वाइट ठीक है अब इस सेक्शन के अंतर्गत आप का, काम में नहीं ले सकते ये है तो ये आप ध्यान रखिए और क्या है देखिए इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे बहस हुई सेक्शन टू नाइनटी ये तो हट गया सिक्सटी सिक्स इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन भी आ चुका है खैर फिर भी ये ध्यान रखिएगा सेक्शन टू नाइन फाइव ए जो है अब इसमें हमने देखा स्टेट को पावर भी है और कई बार स्टेट के ऊपर एलिगेशन लगते हैं कि आपने एक्सेस के अंदर ये किया है है ना एक्सेस में इसको कर रहे हो यूज कर रहे हो तो उस वजह से ये क्या गया कोर्ट में भी केस गया कि ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर हमारे जो फंडामेंटल राइट right है उसका इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है तो ये केस चैलेंज हुआ रामजी लाल मोदी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आई का सेक्शन टू है ये वैलिड है क्यों वैलिड है क्योंकि ये पब्लिक ऑर्डर इंश्योर कर रहा है अगर ये यहाँ पे सेक्शन नहीं होगा तो इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं इस तरह के जो एक्शन किए जा रहे हैं उससे क्या होगा पब्लिक ऑर्डर का इशू होगा लोग आपस में इस तरह से एनमिटी क्रिएट होगी आ, कैसे उसको आप रोकेंगे तो पब्लिक ऑर्डर का हवाला देके सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया एक और केस आता है रिसेंटली है दो का है रामचंद्रप्पा वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेगमेटिक अप्रोच को फॉलो किया ना प्रेगमेटिक अप्रोच वॉज टू री स्टोर द फीचर ऑफ अ बुक ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ फ्री स्पीच जहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक बुक जो कोई पब्लिश कर रहा है है ना तो उसका इंडिविजुअल राइट right है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेकिन उसकी वजह से अगर कोई पब्लिक ऑर्डर इस तरीके के इशू क्रिएट हो रहे हैं तो डेफिनेटली वी शुड गो फॉर अ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ठीक है इंडिविजुअल जो आपका राइट right है उसको हम यहाँ पे सप्रेस कर सकते हैं तो ये एक अप्रोच ली तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि हाँ ये अभी तो वैलिड है इसके अगेंस्ट में आप एक्शन ले सकते हो दिस इज दिंग फाइन नेक्स्ट है जनरल कंसेंट की बात हो रही है ये छोटा सा टॉपिक है इसको देख लेते हैं जनरल कंसेंट टू सी बी आई इसका क्या मतलब होता है तो देखिए जब uh, uh, महाराष्ट्र के अंदर जो गठबंधन की सरकार थी वो हट गई तो उस समय पे क्या हुआ गठबंधन की सरकार ने क्या किया सी बी आई को जो जनरल कंसेंट दिया जाता है उसको विड्रॉ कर लिया था जनरल कंसेंट का क्या मतलब है देखिए दिल्ली जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है है ना डी एस पी ई नाइनटीन फोर्टी सिक्स का ये एक्ट है जिसके अंतर्गत आपकी सी बी आई का गवर्नेंस चल रहा है सी बी आई को गवर्न किया जाता है इस एक्ट के अंतर्गत कानून के अंतर्गत अब होता क्या है सी बी आई को जो पावर है है ना कि किसी भी स्टेट में जाएं कुछ भी आप इस तरीके से कर सकते हैं तो ये एक्ट कह रहा है कानून कह रहा है कि इसके लिए आपको स्टेट की परमिशन चाहिए है ना तो अब जनरली क्या होता है स्टेट पहले से ही परमिशन दे के रखते हैं जनरल कंसेंट जिसे हम कहते हैं ना उसमें क्या होगा स्टेट पहले से ही परमिशन दे के रखते हैं ऐसा नहीं होता कि हर चीज के लिए सीबीआई पहले से परमिशन लेगा तो उनको पहले से ही दी हुई मानी जाती है जनरल कंसेंट में कि आपको परमिशन है आप जो भी आपको सही लगता है केस उसमें आप काम कीजिए एक्शन लीजिए लेकिन ये जनरल कंसेंट जब विड्रॉ कर ली जाती है जैसे अभी यहाँ पे विद्रॉ कर लिया बहुत सारे स्टेट ने विड्रॉ कर रखा है छत्तीसगढ़ है पंजाब है राजस्थान है ना कुछ और हैं तो इस तरह से इन्होंने क्या किया जैसे महाराष्ट्र इन्होंने विद्रॉ कर लिया तो अब सी बी पे ऐसा काम नहीं कर सकता सी को कोई केस को अगर फॉलो करना है स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी छोटे छोटे कामों के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी तो वो होता है केस बेसिस पे आपकी आ, कंसेंट लेना तो जनरल कंसेंट अगर नहीं होती है तो फिर वो केस के बेसिस पे कंसेंट ली जाती है इसका मतलब होता है जनरल कंसेंट टू तो सी ये कैसे अलग है नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एन से ये अलग है क्यों क्योंकि एन को इस तरह की कंसेंट की, की, की जरूरत नहीं है एन को बनाया गया था इन द वेक ऑफ दैट ट्वेंटी जो अटैक हुए थे मुंबई के अंदर पूरा जो कसाब वाला जो एपिसोड था उसके बाद से हमने देखा कि एक ऐसी बॉडी की जरूरत है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास होना चाहिए जो टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज को डील कर सके एफिशिएंटली तो इसको बनाया गया एनआईए एक्ट के अंतर्गत 2008 के अंदर तो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इस तरह की वो जरूरत नहीं है इसका जुरिस्डिक्शन पूरे कंट्री पे है ठीक है नेक्स्ट uh, आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे पाक जो है पाकिस्तान एफ की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया दो तीन क्वेश्चन बनते हैं एफ क्या है uh, क्या ये ग्रे लिस्ट होती है क्यों रखा जाता है वट इज द दर्पज ऑफ दिस एंड ऑल का पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ठीक है एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है मतलब काफी सारी गवर्नमेंट्स यहाँ पे काफी सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं आई थिंक थर्टी नाइन मेंबर्स अभी हैं पाकिस्तान इज नॉट ए ये ध्यान रखिएगा तो ये क्या कर रहे हैं 1989 में इसको इसको बनाया बनाया गया गया ऑन द इनिशिएटिव ऑफ ऑफ है ना ग्रुप सेवन नेशन के उस पे इसको बनाया गया। इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है इसको रोका जाए मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब होता है जो काला पैसा है उसको सफेद करना ब्लैक मनी क्या होता है जिस पे आपने टैक्स नहीं दिया है या फिर वो पैसा जो आपने गलत तरीकों से कमाया हुआ है तो उसको क्या करते हो आप डिफरेंट डिफरेंट चैनल से गुजारते हो जैसे ब्लैक मनी है अब डायरेक्ट तो दिखा नहीं सकते फिर उसको कहीं पे आप आ, कहीं और इन्वेस्ट करोगे है ना डिफरेंट चैनल से गुजारते हैं तो शैल कंपनी बना ली उसमें इन्वेस्टमेंट दिखा दिया फिर वहां से वहाँ पे वहाँ पे और फिर फाइनली आप इंटीग्रेट कर देते हो इन्वेस्टमेंट के रूप में तो मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है ये आ, इसको रोकने के लिए बनाया गया था है ना लेकिन दो में क्या किया गया इसका एक और मैंडेट एड किया गया टेरर फाइनेंसिंग टेररिज्म को फाइनेंस करने वाली जो चीजें हैं उसको भी ये रोक करेगा क्योंकि 2001 से पहले अगर आप देखेंगे यू हैव दैट नाइन इलेवन एंड ऑल उससे पहले वेस्टर्न कंट्रीज कहते थे नहीं टेररिज्म और इतना वो उस पर नहीं था इतना वो फोकस नहीं हुआ था टेररिज्म और ये सब हालांकि इंडिया तो उसके जो नुकसान है उसको फेस कर ही रहा था पहले से ही तो ये 2001 में इन्होंने टेरर फाइनेंसिंग भी इंक्लूड की और अभी आप देखोगे मैंडेट क्या है मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग को रोकना इसका हेडक्वाटर पेरिस के अंदर आपका है और इंडिया डेफिनेटली वन ऑफ द मेंबर है है ना और क्या ध्यान रखना है एफ ए टी कर रहा है प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटिंग इट्स रिकमेंडेशंस थ्रू पीयर रिव्यूज़ पीयर रिव्यू का क्या मतलब ये है ये जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ये जो दूसरे कंट्री हैं उनका रिव्यू करेंगे क्या रिव्यू करेंगे कि वहाँ पे दूसरा जो कंट्री है जैसे पाकिस्तान को इन्होंने रख रखा तो पाकिस्तान के अंदर जो बैंक्स वगैरह हैं ये क्या इस तरह से फंक्शन कर रहे हैं जो टेरर फाइनेंसिंग को रोकता है या फिर इनके फंक्शन बहुत ही ओपेक हैं जिससे टेरर फाइनेंसिंग को बढ़ावा मिल रहा है या रोकथाम नहीं हो सकती है उसकी या मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिल रहा है समथिंग लाइक दैट तो ये कौन करेगा ये पीयर रिव्यू के थ्रू होगा जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी राय पे ये देखा जाएगा लेकिन एफ ए टी एफ स्टैंडर्ड सेट करेगा है ना और इम्प्लीमेंटेशन करेगा जो भी मीजर हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है अब इसने 2000 से क्या किया दो तरह की लिस्ट बनाना स्टार्ट किया एक है आपकी ब्लैक लिस्ट एक है ग्रे लिस्ट जो पाकिस्तान तक ग्रे लिस्ट में है आज आप देखोगे नॉर्थ कोरिया ईरान ये जो कंट्री है ये ब्लैक लिस्ट में है ब्लैक लिस्ट में किसी भी कंट्री के होने का मतलब है कि, कि किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट वहाँ पर नहीं जाएगा कोई भी जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है उनकी तरफ से कोई सहायता वहाँ पर नहीं मिलेगी ये हो गया मतलब उस कंट्री को आपने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया ग्रे लिस्ट में होने के भी काफ़ी सारे नुकसान है जिसको पाकिस्तान झेल रहा है और इंडिया ने यहाँ पे पूरा अफर्ट लगाया वी नीड टू अप्रिशिएट इंडिया फॉर दिस और ठीक है कि किस तरीके से हमने जो ये मतलब पाकिस्तान का सही चेहरा दिखा के और इसको ग्रे लिस्ट में हम लेके आए है।, है ना अब पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान में जो जिस तरह के बैंकिंग सिस्टम और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एक्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग को बढ़ावा देता है इसी चीज़ को मानते हुए इन्होंने क्या किया पाकिस्तान जैसे कंट्री को ग्रे लिस्ट के अंदर रखा गया ना? ग्रे लिस्ट में रखा गया ग्रे लिस्ट का दूसरा नाम क्या है अदर मॉनिटर्ड जुडिस्टिक्शन और ब्लैक लिस्ट का नाम है कॉल फॉर एक्शन तो जो ब्लैक ब्लैक लिस्ट में जो कंट्री हैं वहां पे समस्याएं हैं ये बात है लेकिन उनको ब्लैक लिस्ट में इसलिए रखा है कि वो कॉपरेशन के लिए तैयार नहीं है उन समस्याओं का समाधान करने के लिए वो तैयार नहीं है दरसाइ दीज कंट्रीज आर प्लेसड इन द ब्लैक लिस्ट ऑफ एफ ईरान और नॉर्थ कोरिया इसका एग्जाम्पल अब ग्रे लिस्ट वाले क्या है समस्या तो है लेकिन वो यहाँ पे काम करने के लिए तैयार हैं कि हाँ कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं आप हमें बताइए इसलिए ग्रे लिस्ट में उनको रखा जाएगा और ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आपका है ही ठीक है यू हैव दिस एफ ग्रे लिस्ट जिसको अदर मॉनिटर्ड जो भी आपका कहा जाता है एफ ए टी एफ प्लेसेज रिस्ट्रिक्शन अंदर इंक्रीज मॉनिटरिंग तो अगर जिसको भी ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कैसे बैंकिंग वहां पे फाइनेंशियल सिस्टम वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है ये सब चीज़ें उस पर वॉच में रखी जाएगी देखा जाएगा क्या इनको बताया गया था वो इम्प्रूवमेंट किए हैं नहीं किए हैं है ना पूरी लिस्ट दी जाती है जैसे मान लीजिए तीस चीज़ें हैं तो किस किस पे आपने इम्प्रूव किया नहीं किया ये सब तो पाकिस्तान जो है इसका काफ़ी समय से चल रहा था और कुछ चीज़ें थी जिस जिसपे इम्प्रूवमेंट इसका बाकी था और फाइनली यहाँ पर इन्होंने बाहर निकाला है सो so, ये आप ध्यान रखिए नेक्स्ट हम आते हैं इंडियन इकनॉमी पर Uh, ये एक मेजर अगेन uh, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दिस इज द फर्स्ट टाइम क्योंकि आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट जो डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं क्योंकि जनरली मैक्सिमम ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट ऑफर होते ट्वेंटी फाइव परसेंट आपको अन एकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट मिल रहा है जनरली आप कोड यूज़ करते हो आरबी लाई टू गेट दिस डिस्काउंट इस बार आपको कोड यूज़ करना है ये तो ये जो कोड है बस दिवाली तक ही वैलिड रहेगा दीपावली तक ये कोड वैलिड है तो जो भी बच्चे यू पी एस सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सब्सक्रिप्शन लिंक पे क्लिक करना है अपना प्लान चूज़ करना है एक साल या उससे ऊपर का कोई भी प्लान होना चाहिए फाइन उस पर जब आप क्लिक करोगे आपको ये कोड पुट करना है एंड आपका ये फ्लैट जो फीस है 25 परसेंट से कम हो जाएगा ठीक है और ये कोड यूज करने का फायदा ये भी है आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा सो मेक श्योर यू आर यूजिंग दिस कोड ओनली चलिए आगे आते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी आर के डेप्यूटी गवर्नर है वो कह रहे हैं कि रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन जो है इसके रिस्क तो है इसमें कुछ खतरे तो हैं लेकिन ये अनअवॉइडेबल है ये होगा ही इसको रोक नहीं सकते हैं हम तो पहले तो हम ये समझे इसका मतलब क्या होता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी फिर हम समझेंगे क्या इसके फायदे हैं क्या इसके खतरे हैं क्लियर है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी का सामान्य भाषा में मतलब ये है देखिए कोई भी अगर हम व्यापार कर रहे हैं मान लीजिए इंडिया कुछ इंपोर्ट कर रहा है या कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है समथिंग लाइक दिस तो जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है वहां पे पेमेंट कौन सी करेंसी में होगा जैसे इंडिया कुछ खरीद रहा है तो हम पेमेंट क्या रुपए में करेंगे जैसे यूएसए से हमने कुछ खरीदा या मान लीजिए चाइना से हमने कुछ खरीदा तो उसको पेमेंट किस करेंसी में करेंगे क्या रुपए में करेंगे क्या डॉलर में करेंगे युआन में करेंगे येन में करेंगे क्या कौन सी करेंसी का क्योंकि ग्लोबल लेवल पे तो कोई एक करेंसी है नहीं जैसे इंडिया में तो पेमेंट रुपए में ही करना है लेकिन ग्लोबल लेवल पे ऐसे कोई एक करेंसी नहीं है तो फिर ये पेमेंट किस चीज़ में होता है कैसे डिसाइड होता है ये होता है जो भी इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मॉनिटरी पूरा सिस्टम चल रहा है वहां पे जो भी प्लेयर्स हैं वो जिस करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे कौन सी करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे जिसमें उनका कॉन्फिडेंस होगा ठीक है तो वो उस करेंसी में ही पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे जैसे अगर आप देखेंगे कि कुछ चीज हम जैसे अभी श्रीलंका है श्रीलंका चाहता है कि हमें मेडिसिन इंपोर्ट करनी है अब उसके पास डॉलर नहीं है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली हो गया तो हमारी श्रीलंका की करेंसी में पेमेंट ले लो लोग मना कर रहे हैं भैया नहीं चाहिए हमें ठीक है आपकी करेंसी में पेमेंट नहीं चाहिए फिर श्रीलंका कहेगा चलो डॉलर में ले लो सब तैयार हो जाएंगे हाँ डॉलर के अंदर देखो

तो फॉरेन इकोनॉमिक एजेंट कब किसी करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे जब वो कन्विंस हो जाते हैं कि अमाउंट ऑफ गुड्स दे बाय विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ दैट करेंसी विल नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली बहुत जल्दी से ये ऐसा नहीं होगा गिर जाएगा वैल्यू समथिंग लाइक दिस क्लियर है तो स्टेबल परचेजिंग पावर होनी चाहिए दूसरा क्या मेजर इम्पैक्ट रहेगा कि वो कितना फ्रीली उसको हम वो कर सकते हैं ना कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्ट फ्रीली इन अनलिमिटेड अमाउंट इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि अगर आपको डॉलर आपके पास में है तो आप चाहें तो डॉलर को किसी भी तरह से कन्वर्ट कर सकते जैसे आपको डॉलर की बजाय गोल्ड चाहिए तो आपको वो मिल जाएगा डॉलर की बजाय कोई दूसरी करेंसी चाहिए रुपया चाहिए जितना मर्जी चाहे जैसे चाहिए वो मिल जाएगा दिस इज द फ्री कन्वर्टेबिलिटी क्लियर तो एबिलिटी टू कन्वर्ट फ्रीली इन अनलिमिटेड अमाउंट एक तो इस चीज से डिसाइड होगा है ना क्रेडिबिलिटी की हम बात करें कॉन्फिडेंस की बात करें कि कौन सी करेंसी को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे तो एक तो हो गया कितना आसानी से कन्वर्ट होता है सेकंड हो गया प्राइस एट विच द कन्वर्जन टेक्स प्लेस मतलब उसकी स्टेबिलिटी पर चेजिंग पावर की स्टेबिलिटी ऐसा नहीं बहुत तेजी से गिर गई है तो जो अच्छी करेंसी होंगी अच्छी स्ट्रांग इकोनॉमी होगी उन्हीं की स्टेबल रहेगी तो ये दो चीज़ें मिलकर डिसाइड करती हैं कि कौन सी करेंसी को एक्सेप्ट किया जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो इकोनॉमिक एजेंट है व्यापार में किस करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ इसमें हम पेमेंट लेने में सहमत हैं और कोई भी जो करेंसी होती है जो इंटरनेशनल पेमेंट्स के अंदर इस तरह से चल रही है ना उसको हम इंटरनेशनल आपका कहते हैं तो करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है यूज ऑफ करेंसी आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ इट्स ऑन कंट्री ऑफ इशू जैसे इंडिया की करेंसी है रुपया है है ना तो रुपये का यूज इंडिया के बाहर दूसरे देश में भी हो रहा है है ना व्यापार के लिए उस तरीके से तो जब इस तरह से होने लग जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ रुपये का इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है तो ऑलरेडी आर ने कुछ इनिशिएटिव लिए थे स्पेशली आप देखोगे रशिया के साथ हम जो व्यापार कर रहे हैं उसके अंदर बात यह हुई थी कि रुपए में पेमेंट हो जाएगा डॉलर की जरूरत नहीं क्या उन्होंने मैकेनिज्म वो किया सेटअप जैसे मान लीजिए रशिया है और इधर इंडिया है वोस्ट्रोन के थ्रू इन्होंने किया इसमें इसको सिंपल भाषा में ऐसा समझिए रशिया किसी चीज को क्या कर रहा है इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है कोई कंपनी है रशिया की इंडिया में एक्सपोर्ट कर रही है यहाँ पे मान लो एस है तो, एक रशिया का बैंक है तो अब रशिया ने कोई प्रोडक्ट यहाँ पे इंडिया को भेजा तो इंडिया को पेमेंट देना होगा रशिया की कंपनी को ठीक है ना तो वो पेमेंट क्या होगा पहले डॉलर में जाता था वही एक्सेप्ट होती थी करेंसी अब क्या होगा इंडिया की जो कंपनी है जिसने इस प्रोडक्ट को खरीदा है रशिया से वो क्या करेगा पैसा रुपए के अंदर पैसा जमा कराएगा एस के अंदर ठीक है अब इंडिया से कुछ प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं इंडिया से कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे रशिया को भेजे जा रहे हैं मतलब रशिया अभी खरीद रहा है तो जैसे इंडिया ने अगर मान लीजिए रशिया से कुछ खरीदा है तो इंडिया वाले जो लोग हैं जिन्होंने इम्पोर्ट किया है उसका पेमेंट एस में जमा हो गया ठीक है तो वो पैसा यहाँ पे आपने रुपये में पेमेंट किया है लेकिन उसी के बिहाफ पे रशिया में एक बैंक है जो कि क्या करेगा उस कंपनी को रशिया की करेंसी में पेमेंट सेटल करेगा ठीक है अब क्या होगा मान लीजिए रशिया इंडिया से कुछ खरीद रहा है तो रशिया की कंपनी को इंडिया को पेमेंट करना है तो वो पेमेंट क्या होगा जो एस के अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उससे यहाँ पे ये पेमेंट आपका चला जाएगा क्लियर है यहाँ पे और वो रुपए में पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या हो रहा है डॉलर की ज़रूरत नहीं है रुपए में सब कुछ हो रहा है यहाँ पे रशिया को भी डॉलर डौ, की ज़रूरत नहीं है रशियन करेंसी रूबल के अंदर सारा पेमेंट हो रहा है तो ये जो मैकेनिज्म है इन्होंने सेट कर लिया अभी रशिया पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाए थे इकोनॉमिक सेंक्शन लगाए थे उस कॉन्टेक्स में ये इनिशिएटिव तो अब क्या हो रहा है इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं है ना रुपए का यूज़ हो रहा है इस तरीके से और कई जगह पे जैसे बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं रुपी डिनोमिनेटेड और ये सब है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी इन द सेंस कि हमारा जो रुपया है यूज किया जा रहा है इंडिया के बाहर फाइन और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी अगर हम कहें कब होगा जब हमारी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हो जाएगी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हो जाएगी क्यों हो जाएगी कन्वर्टेबिलिटी क्योंकि अभी हम देख के आए हैं कॉन्फिडेंस अगर जनरेट करना है तो ये जो है आपकी करंसी ये फ्रीली कन्वर्ट होना चाहिए फ्री कन्वर्टेबिलिटी का क्या मतलब है देखिए कोई भी हमारा जो अकाउंट होता है मतलब आ, इंडिया का पूरे विश्व के साथ किसी भी तरह का जो लेन देन है उसका पूरा हम रिकॉर्ड रखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो तरह के अकाउंट होते हैं एक होता है करंट अकाउंट ये जो बैंक वाले करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट है उससे कोई लेना देना नहीं है इसका उससे कंफ्यूज मत करना है ये हो गया करंट अकाउंट और ये है आपका कैपिटल अकाउंट जो करंट नेचर के ट्रांजेक्शन है वो करंट अकाउंट में आ रहे हैं तो आप देखोगे गुड्स के अंदर जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है सर्विसेज में जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है ठीक है और ट्रांसफर पेमेंट है जिसके अंदर क्या है रेमिटेंस कोई एनआरआई बाहर रह रहा है इंडिया में पैसा भेज रहा है कोई गिफ्ट है कोई ग्रांट है ये तो इन तीनों का क्या हो रहा है करंट अकाउंट में आ रहा है अब इंडिया ने क्या कर रखा है करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पूरी तरह से है इसका क्या मतलब है कन्वर्टेबिलिटी करंट अकाउंट की आपको जितना चाहे इंपोर्ट करना है जितना चाहे एक्सपोर्ट करना है है ना चाहे गुड्स हैं हैं सर्विसेज रेमिटेंस के से आप चाहें तो जितना भी जो फॉरेन करेंसी है उसको इंडियन करेंसी के बदले कन्वर्ट कर सकते हो उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है ये हो गया कन्वर्टेबिलिटी पूरी तरह से फुली कन्वर्टेबल लेकिन ये फुली कन्वर्टेबल केवल करंट अकाउंट है इसको ध्यान रखिए क्या है ये जो करंट अकाउंट है केवल यही फुली कन्वर्टेबल है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कब हो जाएगी पूरी तरह से कब कही जाएगी कैपिटल अकाउंट में आपके लोन्स आ रहे हैं जिसको हम कहते है, हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स बोरोइंग एफ डी आई आ रहा है एफ पी आई आ रहा है ये सारी चीजें आपके आ तो आप देखोगे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का क्या मतलब है कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन द परचेज है ना परचेज ऑफ द एंड आर हेल्ड इन द एक्सपोर्टर्स एक्सेट्रा इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो भी असेट परचेज करना है किसी तरह किस भी कोई सिक्योरिटी है एक्सेट्रा है तो उसके लिए भी है ना इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए भी आप इसी तरह से कन्वर्टेबिलिटी अलाउ करेंगे मतलब इंडियन करेंसी किसी भी फॉरेन करेंसी के बदले में या फॉरेन करेंसी इंडियन करेंसी के बदले में आप बदल के देंगे तो कैपिटल अकाउंट जो है ये कन्वर्टेबिलिटी का मतलब हो जाएगा नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ रुपी यू कैन कन्वर्ट इन टू फॉरन करेंसी टू बाई एनी अट ओवरसीज आपको बाहर कुछ भी खरीदना हो कितना भी खरीदना हो आपको डॉलर चाहिए तो आप रुपया देके जितनी मर्जी डॉलर आप ले लो इसी तरह से अगर किसी को रुपया चाहिए तो डॉलर देके कितना भी रुपया ले सकता है ये रेस्ट्रिक्शन जब आपका हर पूरा मतलब इस तरह से फ्री रहेगा मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा जैसा अभी है कैपिटल अकाउंट पे तो हमारा कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा फुल्ली कन्वर्टेबल आपका माना जाएगा तो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ये जब होगी ये बहुत ज़रूरी है अदरवाइज फिर हम इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ सकते अब ये चीज अगर हो जाएगी तो इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं क्या फ़ायदे नुकसान है देखो तो पहले अगर हम फायदे की बात करें तो इससे क्या होगा रुपया का इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है तो इंटरनेशनल ट्रेड में हमें डॉलर की जरूरत कम पड़ेगी तो हमें अभी रहता है ना हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में डॉलर होना चाहिए नहीं तो हम कुछ नहीं खरीद पाएंगे तो वो प्रेशर कम हो जाएगा है ना हमारी डिपेंडेंस फॉरन एक्सचेंज रिज़र्व पर कम हो जाएगी एक्सचेंज रेट से रिलेटेड रिस्क कम हो जाएंगे क्योंकि रुपए के अंदर ही पेमेंट सेटल हो रहा है फॉरेन ट्रेड ईज होगा कैपिटल फ्लोज आएंगे है ना क्योंकि अब चीज़ें ईजी हो गई हैं वो पोस्ट कम हो गई है कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई लेकिन इसमें रिस्क बढ़ गया है और इन्हीं रिस्क की तरफ ये इशारा किया गया है, है ना रिस्क हैज रिस्क क्या रिस्क है भाई जब हमने पूरा अलाउ कर दिया कन्वर्टेबिलिटी तो उसमें क्या होगा कोई भी एक्सटर्नल इशू होता है है ना तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी जो है ये चैलेंज हो जाएगा कुड ब्रिंग अनकंट्रोल्ड कैपिटल फ़्लो है ना अनकंट्रोल्ड कैपिटल फ्लो रहेंगे तो आर के लिए भी मुश्किल होगा मनी सप्लाई को मैनेज करना वो परस्पेक्टिव भी एक आपको देखना पड़ेगा तो ये कुछ रिस्क हैं कुछ भी अगर ग्लोबल लेवल पे होगा तो हमारी इकोनॉमी पे भी उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा है ना हमारा जो अभी इंसुलेशन है ठीक है वो कम हो जाएगा एक तरह से तो ठीक है दोनों चीज़ें हैं पॉजिटिव नेगेटिव है बट स्टिल वी नीड टू गो फॉर दिस इंटरनेशनलाइजेशन तो क्या हमने देखा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी का क्या मतलब है इसका मतलब है कि हमारा जो रुपया है वो इंडिया के बाहर भी ट्रांजेक्शन के लिए इस तरह से यूज किया जाएगा कन्वर्टिबिलिटी का क्या मतलब होता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ये ध्यान रखिए नेक्स्ट न्यूज़ है टू पुश द एमएसएमई सेक्टर एमएसएमई होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मतलब छोटे लेवल पे जो उद्योग होते हैं छोटे मध्यम उद्योग उनको बढ़ावा देने के लिए हाउसिंग क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए मतलब घर बनाने के लिए जो पैसे की जरूरत है वो इन द विलेज एरियाज इंटरलैंड जो हमारे गाँव हैं उन एरियाज के अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है आर रीजनल रूरल बैंक को यहाँ पे सहायता मतलब उनको उनका रोल यहाँ पे ले आना चाह रही है रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं ग्रामीण बैंक आपने नाम सुना होगा जैसे पंजाब ग्रामीण बैंक है कर्नाटक ग्रामीण बैंक है राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक है तो ऐसे हर स्टेट में होते हैं लगभग आप देखोगे फोर्टी थ्री इंडिया के अंदर आर आरबीज हैं वर्तमान रीजनल रूरल बैंक को नाइनटीन सेवनटी फाइव में इतना सालों पहले ठीक है बनाया गया और ये क्या है शेड्यूल कमर्शियल बैंक है शेड्यूल बैंक मतलब आर बी आई एक्ट के शेड्यूल टू के अंदर इनको मैंशन किया गया है और इनको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर दिस एक्ट ही फाइव में और ऑब्जेक्टिव क्या था प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर कि जो गांव है रूरल एरिया है उसके विकास के लिए और कृषि के विकास के लिए जो पैसे की जरूरत है उसको ये बैंक पूरा कर सकेंगे इसलिए इन बैंकों को एक्स्ट्रा मतलब एक स्पेशलाइज कैटेगरी में रखा गया है ना डिफरेंशिएटेड बैंकिंग का एग्जाम्पल है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्भम कमेटी ये आपके बना दी अब ये क्या क्या कर रहे हैं सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब ऐसे लोगों तक फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विसेज पहुंचा रहे हैं जो कि मेन uh, स्ट्रीम uh, से बाहर है जैसे स्मॉल मार्जिनल फार्मर हैं गांव है, है जहाँ पे ब्रांचेज नहीं है बड़े बैंकों की तो वहाँ तक ये फाइनेंशियल सर्विसेज पहुँचा रहे पैसा जमा कर सकते हो लोन ले सकते हो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं ये सारी चीज़ें क्लियर और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना और प्रिम्स में बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज करता है बच्चों को ठीक है आ, ये क्या है कि रीजनल रूरल बैंक ग्रामीण बैंक हैं लेकिन ये अर्बन एरिया में भी फंक्शन करते हैं ठीक है ये ध्यान रखना है अब इसमें ऑनरशिप का स्ट्रक्चर क्या होता है ऑनरशिप में आप देखोगे 2014 में अमेंडमेंट एक किया गया और उसके बाद ऑनरशिप आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 50 परसेंट है स्टेट का कंट्रीब्यूशन 15 परसेंट है और 35-35 परसेंट जो है नेशनलाइज जो बैंक होते हैं जो भी स्पॉन्सर कर रहा है जैसे कई जगह एस होगा कई जगह दूसरा होगा तो उस तरीके से इनका ये बन रहा है ये भी ध्यान रखनी है क्या क्या फंक्शन आर परफॉर्म करते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ आर देते हैं तो आप देखोगे मनरेगा के पेमेंट हो गए कोई डिस्ट्रीब्यूशन है स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन है पेंशन बांटना हो गया है ना मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग क्रेडिट डेबिट कार्ड ये जरूर से ध्यान रखिए ये सारी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कर रहा है और सरकार क्या कर रही है पहले बहुत सारे थे आर उनका नंबर बहुत ज़्यादा था अब इनको कंसोलिडेट किया जा रहा है आर आर को ग्रामीण बैंकों को मिला के स्ट्रेंथन किया जा रहा है है ना एफिशियंट इनको बनाया जा सके तो अभी एट प्रेजेंट आपके फोर्टी थ्री आर हैं एंड अब ये जो न्यूज है ये क्या कह रही है ये न्यूज कह रही है कि जो आपके आर आर बी है जो अभी हमने पढ़ा रीजनल रूरल बैंक इनको क्या किया जाएगा इनको ईज प्रोग्राम के अंतर्गत ईज प्रोग्राम के अंतर्गत इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी जैसे आप कहोगे कि इनके जो डिजिटल ऑपरेशन है उनको बढ़ावा दिया जाएगा है ना आर आर बी आपस में कनेक्ट कर सके इस तरीके से उनको किया जाएगा अच्छी फैसिलिटीज सर्विस प्रोवाइड कर सके प्रॉफिटेबल बन सके और सरकार क्या चाहती है सरकार चाहती है कि एमएसएमई सेक्टर को हाउसिंग सेक्टर को एजुकेशन लोन ये सारी चीजें भी ये प्रोवाइड करें गांव में क्योंकि अभी थोड़ा दिक्कत आ रही है एम सेक्टर को पैसा एक्सेस करने में एजुकेशन लोन में भी शूज आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि आप गाँव में आर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं क्यों ना इनके ट्रू पोटेंशियल को अचीव किया जाए फाइन क्यों ना इनसे होने वाले बेनिफिट से रूरल डेवलपमेंट का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव उसको अचीव किया जाए क्योंकि होगा क्या देखिए कैपिटल का एक्सेस एक्सेस पैसे का एक्सेस बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ के लिए अब आप रूरल डेवलपमेंट के लिए जा रहे हो क्यों जरूरी है रूरल डेवलपमेंट भाई रूरल डेवलपमेंट इज़ द रियल डेवलपमेंट ना वाई बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लिविंग इन द रूरल एरिया अगर रूरल एरिया का ही डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर किस तरह के डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं और रूरल डेवलपमेंट पे क्यों फोकस है क्योंकि जनरली अर्बन एरिया कंपैरेटिवली ज़्यादा डेवलप्ड है इन टर्म्स ऑफ अदर काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो रूरल एरिया में डेवलपमेंट अब उसके लिए पैसे की ज़रूरत है पैसे की ज़रूरत है तो आर का यहाँ पे रोल आता है ठीक है तो ये कह रहे हैं कि ईज रिफॉर्म के माध्यम से हम आर को यहाँ पे गाइड करेंगे है ना ईज रिफॉर्म में जिसके अंदर ये प्रोवाइड कर सकते हैं लोन फॉर ट्रैक्टर स्मॉल बिजनेस रूरल एरिया एजुकेशन हाउसिंग ये सब के लिए और इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं जो एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस ये जो ईज रिफॉर्म है इसके अंतर्गत हम जाएंगे और इन आर की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे अब ये ईज रिफ़ॉर्म आ गया क्या होता है ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इसको भी देख लो वैसे कई बार हमने किया है ईज का इनिशिएटिव 2018 में लॉन्च किया गया है ना और इसका मतलब है एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस तो इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनकी हम कैसे जो है परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं है ना एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं कैसे ज्यादा से ज्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं कंज्यूमर को बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस दे सकते हैं अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट दे सकते हैं स्मार्ट बैंकिंग को ला सकते हैं कमीशन बाय द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के थ्रू लाया गया है छह मेजर थीम है कस्टमर रेस्पॉन्सिवनेस है रेस्पॉसिबल बैंकिंग है क्रेडिट टेक ऑफ मतलब कितना लोन आप आगे दे रहे हो उद्यम मित्रा एम सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना गवर्नेंस रिलेटेड रिफॉर्म्स हैं अब इसके क्या है ये वर्जन चल रहे हैं इस तरह से ईज वन टू हर साल ऐसा ला रहे हैं ये अभी ईज फोर है हमारे पास लेटेस्ट और ईज फोर के अंदर इन्होंने क्या रिफॉर्म किए हैं उसकी अगर हम बात करें तो ये क्या कर रहा है कस्टमर सेंट्रिक बनाना चाह रहे हैं इसको बैंकिंग को विद द हेल्प ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल्स पे ऑनलाइन और इन सब चीज़ों पे स्मार्ट बैंकिंग पे बढ़ावा दिया जाएगा ठीक है रेस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक की एफिशिएंसी पे फोकस कर रहे हैं तो ये हो गया कि अगर आपको लोन चाहिए तो आप एक डायल कर दो आपके घर पर ही लोन आ जाएगा डायल डायल लोन है ना एग्रीकल्चर लोन पर भी ये इसी तरह के आ, हेल्प कर रहे हैं ताकि एग्री स्टार्टअप है उनको बढ़ावा दिया जा सके ट्वेंटी फोर बैंकिंग इसके ऊपर बढ़ावा दिया जा रहा है प्रोसेस ऑटोमेशन कर रहे हैं कम से कम बैंक में आपको जाने की जरूरत पड़े हर चीज़ के लिए आप मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपना ऑर्डर कर जैसे होता है ना चेक बुक मंगानी है एटीएम कार्ड इशू कराना है ऑनलाइन ही आप एप्लीकेशन डाल दो वहां जाके फॉर्म भरने की जरूरत नहीं सो दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स हियर डिजिटल पेमेंट इन द अर्बन एरियाज ऑल्सो को लैंडिंग पे फोकस कर रहे हैं को लैंडिंग मतलब बैंक और जो नो एन डी एफ सी होते हैं कैडो बैंक जो होते हैं जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह मतलब ऐसी संस्थाएं जो बैंकों की तरह ही फंक्शन कर रही हैं लेकिन उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है तो साथ मिलकर आगे लैंड करेंगे ताकि लोगों को अच्छे से पैसा मिल सके ये सब साइंस एंड टेक पे आते हैं एक न्यूज है एक रिसर्च आपकी आई है वायरल रिस्क इंक्रीज विद क्लाइमेट चेंज इन द हाई आर्कटिक लेक लेकिन ये रिसर्च रिपोर्ट है इसका नाम नहीं रखना है क्या हमें ध्यान रखना है कि एक तो वायरल स्पील ओवर क्या होता है और ये क्यों वायरल स्पील ओवर से नई जो पेंडेमिक है, है ना इसका खतरा बढ़ रहा है तो देखो इसमें बहुत सिंपल सा है ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है है ना क्लाइमेट चेंज इज़ हैपनिंग तो आप देखोगे जो एरियाज हैं अगर अर्थ की इक्वेटर ये है ये ट्रॉपिक्स हो गए ये हम पोल्स की बात कर दें तो जो इधर है है ना ये भी वार्म हो रहे हैं एरिया है ना काफ़ी सारे जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पे बर्फ पिघल रही है

उसके लिए ये क्या करेंगी जो स्पीशीज हैं वो एक मीडियम प्रदान करेंगी क्योंकि वायरस कहाँ पे रेप्लीकेट करता है लिविंग सेल में ही रेप्लीकेट करता है सिंस ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग बर्फ पिघल रही है तो जो बर्फ के अंदर जो भी ट्रैप्ड वायरस बैक्टीरिया हैं वो बाहर निकल रहे हैं ठीक है ना आइस ट्रैप्ड वायरस है बैक्टीरिया हैं ये आपके बाहर निकल रहे हैं अब क्या होगा स्पीशीज का ये भी डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब चेंज हो रहा है तो इनको क्या मिलेगा जो नए बैक्टीरिया वायरस निकल के आ रहे हैं इनको होस्ट मिल जाएंगे लिविंग सेल्स मिल जाएंगे जहां पे रह कर सकते हैं एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलेंगे और फिर ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है क्योंकि हम देखेंगे कोरोना में यही तो हुआ था जूनोटिक डिजीज है ना मतलब जानवरों से इंसानों में फैल रही तो इसकी वजह से ये पेंडेमिक का भी खतरा बता रहे हैं है ना तो वायरल स्पिल ओवर का क्या मतलब है जहां पे वायरस जो है ट्रांसमिट कर रहा है सस्टेनेबली इन इन्हें नोवल होस्ट न्यू होस्ट अ प्रोसेस डिफाइन है वायरल स्पी नए होस्ट उसको मिल रहे हैं और वो इस तरह से मल्टीप्लाई करके फैल रहा है ये आपको ध्यान रखना है केवल प्रिलिम्स प्रस्पेक्टिव से ये हाँ वायरल स्पील और आप टर्म अगर ट्रिलिम्स में आ जाए तो आप ऐसा सरप्राइज ना हो जाए इसका मतलब ध्यान रखिए फॉर नाउ दिस इज ऑल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन वाई हाईलाइटिंग द रोल ऑफ आर आर बीज सजेस्ट मीजर्स टू अचीव दै टू पोटेंशियल इन द रूरल डेवलपमेंट कि रूरल डेवलपमेंट में और कैसा इनको बेहतर आप कर सकते हो समथिंग टेन मार्क है वन फिफ्टी वर्ड्स ट्राई टू राइट आंसर ये टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपके सेशन का पी डी एफ रहेगा क्लास के लिंक मिल जाती है डेली क्लास आपकी आठ बजे होती है करंट अफेयर की ठीक है और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आपका अपडेट है वो यही है कि आप अन अकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन है उस पर आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट तक का ऑफ दिया जा रहा है तो यू कैन टेक एडवाटेज ऑफ दिस ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ बाई यूजिंग दोड हीयर ना एक स्पेशल जो कोड है जस्ट शो यू हाँ जी ये आपका कोड है तो ये जो कोड है ये केवल दिवाली तक वर्क कर रहा है जनरली तो आप आरबी लाइव यूज करते हैं ना लेकिन अभी आप इस कोड को यूज कर सकते हैं और ट्वेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट ले सकते हैं मेक श्योर की पर्सनल गाइडेंस के लिए भी आप इसी कोड को यूज़ करें ट्वेंटी फाइव परसेंट फ्लेट ऑफ आपका मिल रहा है ठीक है इसके अलावा आपको नाइन्थ मंथ का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है लेकिन नौ महीने वाले सब्सक्रिप्शन पे ये ऑफ़र नहीं है एक साल या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन पे ये ऑफर है इसके अलावा सब्सक्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं आप लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं और वो कोड यूज़ कर सकते हैं आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हैं एडेड एडवांटेज है आइकॉनिक पे लाइव मेंटरशिप वगैरह कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में जी प्लस ऑप्शनल दोनों आपको मिलेंगे ऑप्शनल केवल ऑप्शनल लेना चाह रहे हैं तो वो भी ऑप्शन है नए बैचल बीस अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं उनमें एनरोल करके सिलेबस पूरा कर सकते हो जीरो परसेंट ई भी आपको मिलता है और केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वैसे तो आपका जो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन होता है उसमें मेन्स की टेस्ट सीरीज इंक्लूड है नोट्स का एक्सेस इंक्लूड है केवल टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन करनी है वो भी ऑप्शन है केवल फीसेट ज्वाइन करना है वो भी वो भी ऑप्शन है एक्सक्यूज़ मी गेमिफाइड बैटल कॉम्पीट के लिए भी आप जा सकते हैं और चैंपियनशिप जो है ये तेरह नवंबर को हो रही है टॉप फाइव रैंकर को आई एस ऑफिसर से मिलने का मौका मिलेगा काफी सारे प्राइसेज आप जीत सकते हो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए भी आप जा सकते हैं सो दिस इज ऑल डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब हैव ग्रेट डे गुड नाइट एंड टेक केयर